नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 17 अप्रैल 2024 से ग्रहों के राजा सूर्य मेष राशि में गुरु के साथ डिग्री वाइज संयोजन बनाने वाले हैं और गज केसरी योग बनाने वाले हैं और 30 अप्रैल 2024 तक दोनों ग्रहों की मौजूदगी मेष राशि में बनी रहने वाली है। तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव मिलेगा। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव मिलेगा, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। 12 वर्षों के पश्चात मेष राशि में सूर्य और गुरु का बना हुआ गज केसरी योग बहुत ही शक्तिशाली राजयोग बन रहा है, तो ये आपके जीवन में किन किन मोर्चे पर आपको सुविधा देने वाला है, खुशखबरी देने वाला है और कहां पर आपको सावधानी बरतना होगा। तो तुला राशि वाले जातकों, सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना गया है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र, मान सम्मान, आजीविका, सत्ता, सुख, राजनीतिक जीवन, पेट, इन सब विषयों का कारक माना गया है। वही देवगुरु बृहस्पति को विवाह, संतान, धर्म, धन, वैवाहिक जीवन तथा मान सम्मान, धार्मिक काम, इन सभी चीजों का कारक गुरु को माना जाता है। ये दोनों ग्रह काफी शक्तिशाली ग्रह हैं, दोनों ग्रह काफी देव ग्रह हैं, काफी प्रभावशाली ग्रह हैं और जिस राशि में युति बना रहे हैं यानी मंगल की राशि में युति बना रहे हैं, मंगल भी देव ग्रह माने जाते हैं, तो दोनों ग्रहों का संयोजन बनने वाला है। तो आपके जीवन में इसका कैसा प्रभाव 17 अप्रैल से दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। यह जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो तुला राशि वाले जातकों आप इसे इसी आधार पर देखें। तुला राशि वाले जातकों, देवगुरु बृहस्पति आपके रोग भाव और आपके पराक्रम भाव के स्वामी माने जाते हैं और सूर्यदेव आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी माने जाते हैं। ये दोनों ग्रह 17 तारीख को आपके सप्तम भाव में युति बनाने वाले हैं। कुंडली के सप्तम भाव से विवाह, पार्टनरशिप, जीवन साथी, दैनिक आय के साधनों के बारे में विचार किया जाता है। इन 15 दिनों की समयावधि में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कुछ मामलों में आपको बेहतरीन खुशियां मिल सकती है। सबसे पहले वैवाहिक जीवन में यदि आप किसी प्रकार की तकरार या तनाव का अनुभव कर रहे हैं, दांपत्य खुशहाली और स्पाउस का यानी आपके पार्टनर का भरपूर सहयोग तुला राशि वाले जातकों को मिल सकता है। तुला राशि के ऐसे जातक जो अविवाहित हैं, विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, तो गुरु विवाह के कारक माने जाते हैं और उच्चस्थ अवस्था में सूर्य के साथ संयोजन बनाएंगे तो आपके जीवन में अतिशीघ्र इन 15 दिनों के मामले में दिनों में आपको नवीन वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकता है, विवाह की डेट वगैरह फाइनल हो सकती है। सूर्य लाभेश है, लाभ भाव के स्वामी हैं और गुरु के साथ युति बनाएंगे, आपके जीवन में धन वैभव की बढ़ोतरी होने वाली है। धन से जुड़े हुए काम आपके जीवन में आसानी से बनने वाला है। चूंकि सप्तम भाव से दैनिक आय के बारे में, डेली वेजेस की इनकम के बारे में ही विचार करते हैं, तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में आय के साधन भी बढ़ेंगे और आप इस समयावधि में ज्यादा मात्रा में धनार्जन करने में सफल रह सकते हैं। इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में शारीरिक बीमारियों से आपको निजात मिल सकता है, यानी पूर्व समयावधि से यदि आप किसी प्रकार की समस्या का अनुभव कर रहे हैं, शारीरिक समस्या का अनुभव कर रहे हैं, शारीरिक क्षेत्रों में आपको ऊर्जा स्तर भी आपका बढ़ेगा और कोई बीमारी यदि आपके ऊपर प्रभावी है उससे आपको निजात मिलने वाली है। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों के जीवन में जो ये समय है वो आपके लिए आपके पुरुषार्थ को काफी बढ़ा देगा, क्योंकि गुरु आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं। तो इन 15 दिनों की समयावधि में सूर्य के साथ प्रभावी हैं, तो आपके जीवन में आपका मनोबल बढ़ने वाला है, आपका आत्मबल बढ़ने वाला है, आपका व्यक्तित्व में काफी आकर्षण बढ़ने जा रहा है। इसका प्रभाव यह होगा कि आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं,
चाहे आप कारोबारी हैं, नौकरी पेशा हैं, सरकारी क्षेत्रों में हैं या किसी भी क्षेत्र विशेष में यदि आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपका वर्चस्व बढ़ जाएगा। जब आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपकी शारीरिक सामर्थ्य बढ़ेगी, तो आप अच्छी तरह से अपने आप को व्यक्त कर पाएंगे और अपना वर्चस्व भी बनाने में सफल रहेंगे। उसके साथ साथ तुला राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार पिछले समय से कर रहे हैं और यदि आपको किसी प्रकार की समस्याएं मिल रही है तो उससे आपको निजात मिल सकती है। पार्टनरशिप के व्यापार में आपको लाभ भी इस समयावधि में मिल सकता है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में मिलने वाला है। अगर आपको जानकारी दिया जाए धार्मिक उपायों की, यदि आपके ऊपर गुरु की महादशा चल रही है या सूर्य की महादशा आपके ऊपर चल रही है और यदि आपको बुरा प्रभाव दे रही है, तो आपको इस समयावधि में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना काफी शुभकारी रहने वाला है। साथ में यदि आप गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आप इन दोनों ग्रहों को काफी मजबूत बना पाएंगे और इस 15 दिनों की समयावधि में अच्छा रिजल्ट लेने में सफल रह सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।